हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूत्रधर सर। सूत्रधर के सर के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आप लोग देख पा रहे होंगे थंबनेल देख के, टॉपिक पर कहीं आपको पता लग गया होगा कि हम क्या लेकर आए हैं। हम लेकर आए हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 2022 का जो बीएड सेकंड सेमेस्टर कम्प्लीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो लेकर आया हूँ। सिर्फ एक पेपर नहीं, पूरा का पूरा हर एक पेपर मेरे पास है, ठीक है। मैंने कलेक्ट किया है, हर एक पेपर मेरे पास यहाँ पर है, सब पेपर दिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे ना और देख के पूरा का पूरा प्रिपेयर करेंगे तो आपका सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आजकल वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है धीरे धीरे बहुत ही क्रिटिकल हो रहा है और होने वाला भी है, ठीक। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आपको क्या करना है, शुरुआत में ही सूत्रधर सर के चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसे ही जबरदस्त वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और हमारा दूसरा चैनल भी है बीएस ट्यूशन क्लासेस करके, वहां पर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 का जो इंग्लिश है एनसीईआरटी उसका एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 ये हमारा सबसे पहला पेपर क्या है, लर्निंग एंड टीचिंग का, ठीक है। लर्निंग एंड टीचिंग ये हमारा फर्स्ट हाफ है, ये लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। एक पेपर होता है लर्निंग का, एक पेपर होता है टीचिंग का, ठीक है। ये जो फर्स्ट हाफ है ये हमारा लर्निंग का है पेपर, लर्निंग पेपर मतलब कोर्स 1.2.3 का, और फुल मार्क रहेगा 35, ओके। तो चलो ये रहा कुछ क्वेश्चंस आए थे, देखिए यहाँ पर आंसर एनी फाइव फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज विद इन 50 वर्ड्स, मतलब 2 मार्क का ही क्वेश्चन है लेकिन 50 वर्ड के बीच में लिखना पड़ेगा आपको, पास क्वेश्चन का आंसर बताना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे कि व्हाट इज कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैफोल्डिंग, व्हाट डू यू मीन बाय जेपीडी जेटपीडी, मेंशन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑफ लर्निंग, व्हाट इज शेपिंग, व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी, व्हाट इज SQ4R मॉडल, ठीक है। ये रहा कुछ क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन, इनमें से सिर्फ पास का ही आंसर आपको करना है। और यहाँ पर देखिए आप लोग ये देख पा रहे होंगे सेक्शन नंबर बी, ग्रुप बी, यहाँ पर 15 मार्क का, वहां पर कितना हो गया, वहां पर 10 हो गया, यहाँ पर 15 मार्क का होगा। सेम क्राइटेरिया सभी में होगा, ठीक है। पहले एक का बता देता हूँ, ओके, 15 मार्क्स का मतलब NE3 जितना सारा क्वेश्चन होगा, 1, 2, 3, 4 पास क्वेश्चन होगा, लेकिन 3 का ही करना पड़ेगा। और कितना नंबर करके होगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क का होगा, 3 का 15, उधर 10 हो गया, यहाँ पर 15, टोटल 25 तो यहाँ पर हो गया ना। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद वाला डायरेक्टली दे दूंगा मैं आपको। डिस्कस ब्रीफली द एडुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ थॉर्नडाइक मेजर्स लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है। उसके बाद डिस्कस ब्रीफली द एडुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी, उसके बाद मेंशन द डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग इन लर्निंग, उसके बाद राइट डाउन द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस मेमोराइजेशन, डिस्कस ब्रीफली द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल 25 मार्क। एंड द लास्ट देखिए, ये दो क्वेश्चन, इनमें से कोई भी एक आंसर ही करना है, सिर्फ एक आंसर एनीवन, लेकिन 300 वर्ड्स के बीच में। ये रहेगा 150, यहाँ पर 150 है ना, पहले वाला में था 50, और यहाँ पर होगा 300 वर्ड, ठीक है। और ये 10 मार्क का ही होगा, या फिर ये करो नहीं तो ये करो, फिर भी पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल हेल्थ, ओके, हाउ कैन ए टीचर हेल्प इन फोस्टरिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, ब्रीफली एक्सप्लेन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन बाइगोस्किस थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ये रहा इंग्लिश में, आप लोग मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाए। ये देखिए बांग्ला में भी है, आप लोग देख लीजिए, बांग्ला में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला भी अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, पूरा का पूरा आ रहा है ना, ओके। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं, बांग्ला में भी है। अब ये है हमारा पेपर टीचिंग का, ठीक है, टीचिंग पेपर का है, और सेकेंड हाफ बोलते हैं हम इसे। ये भी 35 मार्क्स का होगा, सेम पैटर्न में होगा, 1.2.3 का है, सेम है, ठीक है। पेपर एक ही है, बस कोर्स एक ही है, बस पेपर दो है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ,
ओके 35 35। क्वेश्चन आप लोग एक काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा है, बांग्ला में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। ये अपन नजर डालिए, अभी देख लीजिए आंसर है नहीं 3। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश बांग्ला दोनों में है तो आपका बेनिफिट होगा। ये देखिए यहाँ पर भी मार्क्स 10 है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए बीएड सेकेंड सेमेस्टर का दूसरा कोर्स है 1.2.7A। कोर्स कौन सा कोर्स है? 1.2.7A, ठीक है। और ये इंग्लिश का पेपर है, किसका पेपर है? इंग्लिश का पेपर है, याद रखिएगा। आपका पेपर वाइज आपका क्वेश्चन होगा और ए पेपर इंग्लिश का है, ठीक है। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज किसी का बांग्ला भी हो सकता है, किसी का असमीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज अपना अपना होता है, बांग्ला नहीं तो इंग्लिश। तो यहाँ पर इंग्लिश है, तो देखो डेढ़ घंटा का एग्जाम, यहाँ पर भी 35 मार्क्स। और टोटल पैटर्न पहले जैसा ही होगा, जैसे कि पहला सेक्शन जो होगा ग्रुप ए 10 मार्क का होगा। ये सारा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए स्किपिंग क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या टू क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग ए लैंग्वेज एज अ सेकंड लैंग्वेज, डायलेक्ट क्या है, ESL और EFL क्या है, डिफरेंस क्या है। उसके बाद टू क्रिटिसिज्म अगेंस्ट बिहेवियरिस्टिक ए मॉडल ऑफ टीचिंग। उसके बाद टू कॉजेस ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी देख लीजिए, हो गया। उसके बाद ये देखिए 10 मार्क का दो क्वेश्चन, सिर्फ एक का करना पड़ेगा। तो ये वाला क्या था, ये पार्ट वन है ना, तो बहुत एक ही पेपर होगा, ठीक है, पार्ट वन ही होता है, 1.2.7 वाला एक ही पेपर होता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए 1.2.8A, ये दूसरा पेपर है, मतलब इसमें जैसे फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ नहीं होता है, 1.2.7 में भी फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ नहीं होता है, सिर्फ एक पेपर होता है। यहाँ पर भी 1.2.8A जो है ये भी एक पेपर ही होता है, दो पेपर नहीं होता। और ये क्या क्या होगा, नॉलेज एंड करिकुलम का होगा पार्ट वन, ठीक है। सेम पैटर्न है, देख लीजिएगा, ये सबके लिए इक्वल है, सभी के लिए इक्वल है, ओके। देख लिया होगा ने, आप लोगों ने देख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके। नेक्स्ट करते हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि पूरा का पूरा सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, तो समय तो लगेगा। उसके बाद ये देख लीजिए ग्रुप बी 15 मार्क्स का, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो सब्सक्राइब करना भाई, ठीक है, सब्सक्राइब करके ही जाना, ऐसे मत जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, बेल बटन को दबाना, ऐसे ही आपको बीएड का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अभी तो बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी बन गया है, नाम चेंज हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कोर्स 1.2.9 है, ये फिर से दो पार्ट में होगा, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, पहले जैसा 1.2.3 वाला जो है फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, वैसे ही ये वाला जो है फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ होगा। ये क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, पहला पार्ट का नाम है असेसमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा पार्ट का नाम अलग होगा, लेकिन हमारा मेन पार्ट जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग है, और इसके अंतर्गत ये वाला पोर्शन आते हैं, ठीक है। और इसको देख लीजिए आप लोग, ये सभी के लिए है, कंपलसरी, ठीक है, आराम से देख पा रहे होंगे आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, अगर होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले वीडियो में चेंज करूंगा कि कुछ और तरीके से अगर वीडियो बना सकूं आपके लिए अच्छा होगा, है ना। फोटो उठा के, अगर फोटो उठा के बनाऊंगा तो आप लोग समझेंगे कि नेट से डाउनलोड करके बनाया होगा, नहीं, नेट से डाउनलोड करके नहीं भाई। उसके बाद ये वाला बैक साइड पोर्शन, ओके, देख पा रहे होंगे, इतना सही है, ओके। नेक्स्ट अभी देखिए सेकेंड हाफ, ये देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग सिस्टम, वो दूसरा था प्रोसेसिंग वाला, असेसमेंट फॉर लर्निंग सिस्टम है, ओके, 1.2.9 है, सेम है सेकेंड हाफ। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लीजिए,
बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला पोर्शन। व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब कि ये क्या लिखा है बांग्ला में, शिक्षण अक्षमता काके बोले, तो है ना, शिक्षण अक्षमता काके बोले। ओके, मतलब सीखने में जो प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी जो होते हैं, क्यों होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये देख लीजिए, ये है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहा। ब्रीफली डिस्कस अबाउट द रेमेडियल टीचिंग, ये जो रेमेडियल टीचिंग है इंपॉर्टेंट है। रेमेडियल टीचिंग का मतलब तो पता है, जो बच्चे को, जो कमजोर बच्चा है, जो जिसको परेशानी है किसी सब्जेक्ट में, तो उनके लिए अलग से क्लास, अलग क्लास लेते हैं, ठीक है, उसको हम रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं, ताकि जो बच्चे का जो स्पेशल नीड्स है उसको पूरा किया जाए, है ना। ये हो गया आपका। ओके नेक्स्ट, अभी देखिए ईपीसी, ईपीसी टू क्लास, फर्स्ट सेमेस्टर में ईपीसी वन था, तो सेकेंड सेमेस्टर में क्या होगा, ईपीसी टू होगा, है ना। ये देखिए, ये ड्रामा एंड आर्ट इन एडुकेशन, ये सबके लिए समान है, सभी के लिए होता है। ड्रामा एंड आर्ट इन एडुकेशन, ये पेपर एक ही होता है और ये सिर्फ एक घंटे के लिए होता है और ये 25 मार्क का होगा। ये टोटली डिफरेंस होगा, सभी से अलग होगा और ये हमारा लास्ट है पेपर है, ठीक है, ये हमारा लास्ट पेपर है। हर एक दिन दो दो पेपर आपको लिखना पड़ेगा, हर दिन दो दो पेपर। डेढ़ घंटा एग्जाम हुआ, आधा घंटे एक घंटा गैप देगा, फिर से डेढ़ घंटा का एग्जाम, ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको लिख लीजिए आप लोग, ये भी इजी है, बहुत इजी है भाई। मैं क्वेश्चन आपको रीडिंग करके बताता हूँ। राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोक ड्रामा, फोक ड्रामा के कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए बोला। लया, लय मतलब लय की, लय क्या है, उसके बाद पोएट्री क्या है, व्हाट इज पोएट्री, उसके बाद ओरिगामी क्या है, उसके बाद मेंशन टू प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिव वर्क, है ना, राइट टू फीचर्स ऑफ मधुबनी आर्ट, मधुबनी आर्ट बीएड एग्जाम में आता है, सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, मधुबनी आर्ट के बारे में। आइडेंटिफाई टू आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ छाउ डांस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये वाला लास्ट पोर्शन, उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सूत्रधर सर के चैनल को, ठीक है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कॉम्पिटेटिव दुनिया, ठीक है, कॉम्पिटेटिव दुनिया, वहां पर जाके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग 150, हमें से सिर्फ तीन क्वेश्चन का ही करना पड़ेगा, ठीक है। लाइट एंड शेड, पर्सपेक्टिव इन ड्रॉइंग ए पिक्चर, सब्लिमेशन क्या है, ठीक है, टेराकोटा क्या है, व्हाट इज रंगोली, देखिए कितना आसान, यहाँ पर ही आपको पास मार्क मिल जाएगा। व्हाट इज रंगोली, रंगोली क्या है, हर किसी को पता है रंगोली क्या है। एक्सप्लेन द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग द टाइप ऑफ आर्ट इन स्कूल, ठीक है, क्या लिखा है, रंगोली की विद्यालय यही धरणर शिल्प चर्चार आध्यात्मिक तात्पर्य व्याख्या करण, ठीक है ना। ओके देन, यही आपका कुछ इन्फॉर्मेशन था, आपको बहुत हेल्प हुआ होगा और वीडियो भी बहुत बड़ा बन चुका है, फिर भी मैं चाहता हूँ सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना और हमारा बेल बटन को दबा के जाना। ऑल द बेस्ट।